रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे। ऐसी परवाज दे मालिक के गगन नाज करे, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे। ऐसी परवाज दे मालिक के गगन नाज करे। वो नजर दे के करूं कद्र हर एक मजहब की, वो मोहब्बत दे मुझे अमन अमन नाश करे। वो नजर दे के करूं कद्र हर एक मजहब की, वो मोहब्बत दे मुझे अमन अमन नाश करे। बिहार की धरती पर पावन भूमि बोधगया। इस पवित्र स्थान को ज्ञान की भूमि कहा जाता है। सदियों पहले बोधगया के इस बोधि वृक्ष के नीचे एक समृद्ध राज परिवार के युवराज सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसके बाद दुनिया उन्हें भगवान बुद्ध के रूप में जानने लगी। इसी भूमि पर उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, जिसका मूल मंत्र सत्य और अहिंसा है। इस धर्म का ही प्रताप है कि इसके अनुयायी आज दुनिया के कई देशों में मौजूद हैं। ज्ञान के मामले में बिहार का गौरवशाली अतीत है, जो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। बिहार की राजधानी पटना से 100 किलोमीटर की दूरी पर नालंदा जिले की पावन भूमि है पावापुरी। भगवान महावीर को इसी भूमि पर महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, जिन्होंने सदियों पहले सत्य और अहिंसा पर आधारित जैन धर्म की स्थापना की थी। इतिहास के पन्नों में ज्ञान के मामले में नालंदा का स्थान किसी प्रकाश पुंज की तरह है। यहां से निकली शिक्षा की ज्योति से कभी पूरी दुनिया में ज्ञान की रोशनी होती थी। आज यहां प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर मौजूद है। वहां कभी दुनिया के कोने कोने से छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते थे। यहां से मिली शिक्षा की गरिमा का पूरी दुनिया में सम्मान किया जाता था। इतिहास के गलियारे में ज्ञान का गौरव स्थापित करने में नालंदा की भूमि ने जिस तरह की मिसाल पेश की है, उसी परंपरा को आज भी नालंदा ने कायम रखा है। जिले के नूरसराय में स्थापित नालंदा उद्यान महाविद्यालय इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इसे बिहार का एकमात्र उद्यान महाविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है, जिसने शिक्षण के साथ फल फूल और सब्जियों के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए क्रांतिकारी कदम उठाया है। महाविद्यालय के इस प्रयास का लाभ आज किसानों और छात्रों के साथ आम लोगों को भी मिल रहा है। नालंदा उद्यान महाविद्यालय जैसे संस्थान की अहमियत तब और बढ़ जाती है जब खेती पर तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या का भारी दबाव हो। बिहार जैसे राज्य में आबादी का 76% हिस्सा जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। इसके बावजूद लोगों को खाने पीने की वस्तुएं उपलब्ध कराना कठिन साबित हो रहा है। खेती की पुरानी परिपाटी की बदौलत इस चुनौती से निपटना लगभग नामुमकिन साबित हो रहा है। सीमित जमीन पर अधिक पैदावार कर ही इस समस्या से निपटा जा सकता है। इसके लिए नई कृषि तकनीक, शोध और खेती में लगे लोगों को प्रशिक्षण देने की जरूरत है। अन्न के साथ फल और सब्जियां लोगों की जरूरतों में शामिल हैं। उनका उत्पादन भी जनसंख्या के अनुरूप बढ़ाने के लिए
नित नए शोध की जरूरत है। नालंदा उद्यान महाविद्यालय इस क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो रहा है। राज्य में बागवानी के विकास को गति देने के लिए 14 अगस्त 2006 को नूरसराय में नालंदा उद्यान महाविद्यालय की नींव रखी गई। करीब 9 सालों के अंतराल के बाद महाविद्यालय का अपना भवन बनकर तैयार हो गया, जिसका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 25 जुलाई 2015 को विधिवत उद्घाटन किया। नालंदा उद्यान महाविद्यालय की स्थापना के बाद बागवानी और इस क्षेत्र में कैरियर बनाने वाले छात्रों को नई दिशा मिली है। इसके मुख्य द्वार से प्रवेश करने के साथ ही छात्रों के भविष्य के नए दरवाजे खुलते हैं। छात्र छात्राओं के रहने के लिए यहाँ अलग अलग छात्रावासों का निर्माण किया गया है। परिसर में एक महिला छात्रावास है, छात्रों के लिए अलग अलग छात्रावास का निर्माण किया गया है। तीसरा छात्रावास उन किसानों के लिए बनाया गया है जो यहां आकर बागवानी की विस्तृत जानकारी हासिल करते हैं। नालंदा उद्यान महाविद्यालय में प्रशासनिक, शैक्षणिक और शोध कार्यों के लिए अलग अलग भवन बनाए गए हैं। खासकर शैक्षणिक कार्यों के लिए भव्य भवन में बड़े बड़े कमरों का निर्माण किया गया है। इन कमरों में छात्र छात्राओं के लिए कक्षाएं संचालित की जाती हैं। महाविद्यालय परिसर में एक प्रशासनिक भवन का निर्माण किया गया है, जहां शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था है। इस महाविद्यालय में उपकरणों से सुसज्जित कई आधुनिक प्रयोगशालाएं मौजूद हैं, जहां छात्रों को मिट्टी की गुणवत्ता की जांच के साथ कई तरह के प्रयोग करने की विधि सिखाई जाती है। महाविद्यालय का अपना एक भव्य पुस्तकालय है, जिसमें दर्जनों छात्र छात्राएं एक साथ बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। शिक्षा के साथ छात्रों का शारीरिक और मानसिक विकास आवश्यक है। नालंदा उद्यान महाविद्यालय में इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए महाविद्यालय परिसर में अत्याधुनिक जिम की व्यवस्था की गई है, जहां आकर छात्र शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। परिसर में ही खेल का एक बड़ा मैदान है, जहां छात्र छात्राएं तरह तरह के खेल खेलते हैं। बहुआयामी सोच के परिचायक डॉक्टर पंचम कुमार सिंह के कंधों पर नालंदा उद्यान महाविद्यालय के प्राचार्य पद की जिम्मेवारी है। संस्थान में एक अभिभावक के रूप में वे अपने कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन करते हैं। महाविद्यालय परिसर के बेहतर रखरखाव के साथ शैक्षणिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित कराने में उनकी अहम भूमिका होती है। यहाँ शोध और प्रशिक्षण कार्य भी उनकी निगरानी में पूरे किए जाते हैं। खासकर छात्रावासों में रहने वाले छात्र छात्राओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसका प्राचार्य की ओर से खास ख्याल रखा जाता है। राज्य ही नहीं, देश में नालंदा उद्यान महाविद्यालय का गौरव नई ऊंचाई पर पहुंचे, इसके लिए प्राचार्य सदैव तत्पर होते हैं। बिहार में उद्यानिक गतिविधियों के महत्व को देखते हुए इसके और प्रचार प्रचार के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने इसका उद्घाटन 14 अगस्त 2006 को नालंदा उद्यान महाविद्यालय की स्थापना की और इसका उद्घाटन किया। प्रारंभ में इसका कार्यालय डैट के एक छोटे से कार्यालय से शुरू किया गया और फिर वो एक ऐतिहासिक दिन आया जब 25 जुलाई 2015 में एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, छात्रावास, फार्मर्स हॉस्टल और भी सारे बिल्डिंग्स का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री ने किया और इसको समर्पित बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर को किया। इसके जो चार प्रारूप हैं, शिक्षण, शोध, प्रचार प्रसार और प्रशिक्षण, इसको सुचारू रूप से देने के लिए ये नालंदा उद्यान महाविद्यालय की स्थापना हुई थी। शोध के क्षेत्र में महाविद्यालय प्याज पर 3 तकनीक विकसित कर चुका है, जो विश्वविद्यालय स्तर से भी संपादित है
जिसमें रबी प्याज की उत्पादन तकनीक और रबी प्याज में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का प्रयोग भी शामिल है, जिससे बिहार के किसान लाभान्वित हो रहे हैं। इसी प्रकार लहसुन पर एक, भिंडी पर एक, परवल पर एक, आम और अमरूद पे सूक्ष्म सिंचाई पर एक, ऐसे करीब 12 शोध हम लोगों के अभी चल रहे हैं, जिससे कि किसान उद्यानिक फसलों में इससे लाभान्वित हो पाएंगे। और हमारे नालंदा उद्यान महाविद्यालय से सैकड़ों विद्यार्थी 6 सत्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त कर विभिन्न सभाओं में अपना योगदान दे रहे हैं। नालंदा उद्यान महाविद्यालय में मुख्य रूप से 4 तरह की गतिविधियां संचालित की जाती हैं। इन गतिविधियों में शिक्षण, शोध, प्रचार प्रसार और प्रशिक्षण शामिल है। 2006 में कॉलेज के स्थापना के बाद से ही यहाँ BSc हॉर्टिकल्चर का पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। 4 साल की शिक्षा के बाद छात्रों को हॉर्टिकल्चर में बैचलर साइंस की डिग्री दी जाती है। इसके बाद छात्रों के भविष्य के नए दरवाजे खुलते हैं। नालंदा उद्यान महाविद्यालय की प्रतिष्ठा में 4 चांद लगाता है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से महाविद्यालय की मान्यता है। इसका नाम देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में लिया जाता है। इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्थापित नालंदा उद्यान महाविद्यालय राज्य का इकलौता बागवानी महाविद्यालय है, जिससे यहाँ पढ़ने वाले छात्रों की अहमियत बढ़ जाती है। उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित नजर आता है और वे अपने कैरियर को लेकर लगभग पूरी तरह आश्वस्त होते हैं। शोध कार्य नालंदा उद्यान महाविद्यालय के मुख्य गतिविधियों में शामिल है। इससे बागवानी के विकास में संभावनाओं के नए द्वार खुलते हैं। महाविद्यालय परिसर में इस कार्य के लिए लगभग 7 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है, जिस पर विश्वविद्यालय शोध परिषद से मान्यता प्राप्त शोध संचालित किए जाते हैं। यहाँ प्याज और सब्जियों पर विशेष शोध किए गए थे, जिससे उनके उत्पादन में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। बागवानी के विकास के लिए नालंदा उद्यान महाविद्यालय में शोध कार्य अनवरत जारी रहते हैं, जिससे बागवानी के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए जा सके। वैज्ञानिकों की टीम बड़ी बारीकी से उन परिस्थितियों का अध्ययन करती है, जिससे कम लागत में किसानों को अधिक मुनाफा हो सके। शोध के सारे कार्य और उनके रूपरेखा की जिम्मेवारी डॉक्टर MD ओझा के कंधे पर है। संस्थान में ये वरीय वैज्ञानिक के तौर पर कार्यरत हैं, जिनके निर्देशन में महाविद्यालय में कई महत्वपूर्ण शोध कार्य पूरे किए गए थे। बहुत सारी हमारे बीच में जो फसलें हैं, जैसे आम है, अमरूद है, प्याज है, लहसुन है, नींबू है, बहुत सारी सब्जियां हैं, जिनमें आप देखे होंगे कि स्वाद लोग खाते हैं तो कहते हैं स्वाद नहीं मिल रहा है, या स्थानीय जो आप देशी प्रजातियां खाते हैं उनमें स्वाद ज़्यादा अच्छा होता है, और जो हमारी संकर प्रभेद हैं या संकर नस्लें हैं उनमें उतना अच्छा स्वाद नहीं रहता है। तो उस पर भी हम लोग फोकस कर रहे हैं, उस पर भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि कैसे वो देशी प्रजातियां जो हैं उनमें ऐसी क्या बात है, उन पर भी शोध करके हम लोग ये पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर हमारा स्वाद कहाँ छुपा हुआ है, कहाँ गायब हो गया। तो इन उद्देश्यों को लेकर कि शिक्षण में, शोध में, प्रसार में, प्रशिक्षण में नालंदा उद्यान महाविद्यालय कैसे नित नए आयामों को छुए, कैसे वो आगे बढ़े और कैसे अपनी प्रतिबद्धता, जो उसकी प्रतिबद्धता है जो है औद्यानिक क्षेत्रों में एक बिहार को एक अग्रिम राज्य के रूप में स्थापित करने की, उस पर वो कैसा खरा उतरे, इन गतिविधियों के साथ हम लोग यहाँ पर अनवरत अपनी सेवाएं दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आने वाले समय में नालंदा उद्यान महाविद्यालय एक बहुत बड़े संस्थान के रूप में उभर कर पटल पर आएगा, जहाँ पर एक छत के नीचे हम अपनी औद्यानिक गतिविधियों से संबंधित समस्त समस्याओं का निवारण पा सकेंगे, ऐसा हमारा मानना है। आम की तरह ही अमरूद भी लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय है। बाजार में इस फल की भी काफी मांग होती है।
नालंदा उद्यान महाविद्यालय में वैज्ञानिकों की टीम इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए सतत प्रयासरत है, जिससे मांग के हिसाब से इनकी आपूर्ति संभव हो सके। नालंदा उद्यान महाविद्यालय में अमरूद पर शोध किया जा रहा है, जिससे लोगों को खाने के लिए गुणवत्ता से भरपूर अमरूद मिल सके। फल की तरह सब्जियों के उत्पादन पर नालंदा उद्यान महाविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विशेष ध्यान दिया है। सब्जियों में करेला को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। करेला खाने से कई तरह की बीमारियां दूर होती हैं, जिससे बाजार में इसकी काफी मांग है। यहाँ के वैज्ञानिक करेला के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए शोध कार्य में जुटे हैं, जिससे लोगों को गुणवत्ता से भरपूर करेला उपलब्ध हो सके। आम लोगों की जीवन शैली ने कृषि पर व्यापक प्रभाव डाला है। उनके रसोई घर में अब वैसे फल और सब्जियां भी नजर आती हैं, जिनके पैदा होने का मौसम नहीं होता है। इन्हें बेमौसमी फल और सब्जियां कहा जाता है। खासकर रेस्टोरेंट और मॉल कल्चर में इनकी मांग हमेशा बनी रहती है। नालंदा उद्यान महाविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इसी परिपाटी को गंभीरता से लिया है। इस महाविद्यालय के परिसर में विशाल पॉली हाउस का निर्माण किया गया है, जिसमें फलों और सब्जियों को बेमौसम उपजाने पर शोध किए जाते हैं। वैज्ञानिकों के इस प्रयास ने बागवानी के क्षेत्र में नई क्रांति का सूत्रपात किया है। नालंदा उद्यान महाविद्यालय की भविष्य में कई दूसरे विषयों पर भी शोध करने की योजना है, जिससे राज्य ही नहीं देश में भी बागवानी के विकास को बल मिलेगा। प्रचार और प्रसार नालंदा उद्यान महाविद्यालय की गतिविधियों का अहम हिस्सा है। इसके माध्यम से किसानों को परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। महाविद्यालय की टीम गांवों में जाकर किसान गोष्ठी और किसान चौपाल का आयोजन करती है, जिसके माध्यम से किसानों को बागवानी से संबंधित कई तरह की जानकारी दी जाती है। टेलीविजन के क्षेत्रीय चैनल और रेडियो के माध्यम से भी किसानों को बागवानी को विकसित करने के उपाय बताए जाते हैं। प्रशिक्षण नालंदा उद्यान महाविद्यालय की गतिविधियों का महत्वपूर्ण अंग है। कई बार प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और आत्मा के सहयोग से भी संचालित किए जाते हैं। प्रशिक्षण के लिए यहाँ हर साल दूर दूर से बागवानी से जुड़े लोग आते हैं। इसमें उन लोगों को भी शामिल किया जाता है जो खेतों में प्रयोग होने वाले कीटनाशक के व्यापार से जुड़े होते हैं। इसका सीधा फायदा किसानों को मिलता है। प्रशिक्षण के लिए आए किसानों के रहने के लिए महाविद्यालय में छात्रावास का निर्माण किया गया है, जिससे उनके रहने और खाने की सुविधा महाविद्यालय में ही उपलब्ध हो जाती है। बागवानी की विशेष जानकारी के लिए किसानों को अलग अलग जगहों का क्षेत्र भ्रमण भी कराया जाता है, जहां उन्हें फल फूल और सब्जी से संबंधित जानकारी दी जाती है। इस तरह किसान कई महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर यहां से विदा होते हैं। ज्ञान के क्षेत्र में नालंदा का जितना समृद्धशाली इतिहास है, यहां की भूमि और मौसम को फल सब्जियों के लिए उतना ही अनुकूल माना जाता है। नालंदा उद्यान महाविद्यालय इन दोनों के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है। ये शिक्षा की गरिमा को बरकरार रखने के साथ बागवानी के विकास के लिए भी सतत प्रयासरत है, जिसका असर भारत जैसे कृषि प्रधान देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ना लाजमी है। इससे न केवल बिहार बल्कि देश की अर्थव्यवस्था भी नई ऊंचाइयां छू सकता है। कहा जा सकता है कि नालंदा उद्यान महाविद्यालय बागवानी के विकास में नई इबारत लिख रहा है।